हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सोनी तोमर। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की पोशाक। ये रानी कलर का कपड़ा है। गहर की लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है 4 इंच और ये चोली है। चोली की लंबाई है 7 इंच। ये देखिए पूरी 7 इंच लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 4 इंच चौड़ाई है। अब ये है कली के लिए लिया है हमने। लंबाई 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। आइए हम इस पे कलगी लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे, कंफ्यूज ना हो। ये देखिए कलगी की हमने फोल्ड करके रख दिया है इसे। आइए घेर की जो है हम साइडों में से किनारी फोल्ड कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए और इस पे जो है हम स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए हमने स्टिचिंग मार रहे हैं इस पे। अब ऐसे ही दूसरी सिरे पर भी मारेंगे और फिर इसे जो है हम फोल्ड करेंगे। देखिए घेर को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जो है इस पे भी साइडों में से पहले स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए साइडों में से हमने मार दी है ताकि धागा ना निकले। और ये है घेर के ऊपर का, इस पर भी हम स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए ये भी हमारी स्टिचिंग लग रही है इस पर। अब इसको भी हम साइड में से स्टिचिंग मारेंगे ताकि इसके भी धागे ना निकले। अब स्टिचिंग करने के बाद इसका हम गोटा पट्टी लैस लगाएंगे बीच में। और बीच में लगा के गोटे के सिरे सिरे पे स्टिचिंग कर देंगे। पहले एक सिरे पे करेंगे फिर दूसरे सिरे पे भी यू टर्न मार के लेके वापस आ देंगे और स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए दूसरे सिरे पे भी हम मार देंगे किनारे किनारे। ये देखिए पतली पतली जो है, ये पतली सी लेस है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर भी हम स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए हमारी लग गई। अब हम इस पर दूसरी लेस लगा रहे हैं। देखिए सिरे पे लगाएंगे फिर घुमाते हुए घेर पे लेके आएंगे। अब ये है हम सिरे पे लेके आ गए किनारों पे साइडों के और अब हम घेर पे ले आए हैं। बिल्कुल किनारे पे लेस लगाएंगे और ध्यान पूर्वक कि कपड़ा खिसके नहीं और ना ही लेस खिसके। ये देखिए देखिए ये वाली लेस अब हम साइड में घुमा के लेके आ जाएंगे। ये भी साइड में घूम के लग जाएगी लेस। अब ये देखिए हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई घेर बनके। अब ये जो है घेर के हम चुन्नटे भरेंगे, प्लेटें भरेंगे ऐसे करके एक एक करके और इस पे आलपिन लगा देंगे। आलपिन की सहायता से जो है ये हम इस पे स्टिचिंग मारेंगे घेर पर और दूसरी बार भी पलट के स्टिचिंग मार देंगे। देखिए हमारा घेर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर घेर लग रहा है। अब हम जो है इसके लिए चोली तैयार करते हैं। ये देखिए हमारी चोली है। अब दोनों किनारों को जो है हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इस पर भी स्टिचिंग मारेंगे। ये देखिए इस पर भी स्टिचिंग मार देंगे। ये देखिए अब इसकी भी साइडों में मार देंगे ताकि धागे ना निकले कपड़ों के और फिर फालतू जो है उसे काट देंगे। देखिए दूसरी पट्टी पे भी हम जो है स्टिचिंग मारेंगे फोल्ड करके। इस पर भी लग गई है हमारी स्टिचिंग। अब हम जो है दोनों पट्टियों पे लैस लगाएंगे किनारे किनारों पे। देखिए
अब इस पे भी हमने स्टिचिंग मार दी है। दूसरी पट्टी पे भी हम लेस लगाएंगे। देखिए दूसरी पट्टी पे भी लेस लग गई है। अब हम दोनों को रख कर जो है इस पे स्टिचिंग मार देंगे, और उससे पहले जो है हम नाप लेंगे। ये देखिए उतनी ही नाप के सिलाई मार देंगे, और उसके पलट के फिर जो है टॉप स्टिच मार देंगे। अब जो है हम ये गोटा भी लगाएंगे शोल्डर पे सिलाते हुए, फिर गले पे घुमाएंगे, गले पे सिलाते हुए दूसरे शोल्डर पर लेके आएंगे। ये देखिए ये हम गले तक लेके आ गए। अब फिर हम दूसरे पे भी लेके जाएंगे घुमाते हुए गले पे से। ये देखिए बराबर जो है स्टिचिंग लग रही है। ये देखिए अब हम ऐसी ही गोटे के दूसरे किनारों पर भी लेस मारेंगे, ताकि ये पक्की हो जाए, साइडों में से दूसरी तरफ से उधड़े नहीं। ये देखिए हमारी स्टिचिंग जो है इस पर लग गई है। अब हम इसे फोल्ड करके दिखाते हैं। इसे फोल्ड करके साइडों में से इसका नाप लेके 1.2 इंच लेके जो है इस पर स्टिचिंग मारेंगे। फ्रेंड ये देखिए हमने 1.2 इंच नाप दिया है। अब इसे हम जो है चौक से निशान लगा रहे हैं। अब इसकी साइडों में जो है बगल की साइडों में जो है हम स्टिचिंग मार देंगे। ये हमने पहली स्टिचिंग मार दी, अब इस ऐसे ही दूसरी तरफ भी स्टिचिंग मारेंगे। स्टिचिंग लग गई है और ये हमारी चोली बनके जो है तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये हम लहंगे में निशान मार रहे हैं बीच में, और ये जो है हम आपको घेर की लंबाई बता रहे हैं, 4 इंच है। अब इसके बाद जो है हम चोली की लंबाई बताएंगे। ये देखिए ये भी हमारी 4 इंच बनी है, और इसको दोनों को घेर को और चोली को हम क्या नाम है सेट कर देंगे इसे स्टिचिंग करने के लिए। आइए देखिए अब इस पे हम स्टिचिंग मारेंगे। हम इस पे 2 स्टिचिंग मारेंगे। ये हमारी पहली स्टिचिंग लग रही है, उसके बाद दूसरी भी स्टिचिंग मार देंगे, ताकि ये इसकी सिलाई इधर से उधर न जाए। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की यानी कान्हा जी की पोशाक जो है रेडी हो गई है। कितनी सुंदर है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनाई है, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखिए अब हम जो बनाएंगे इनकी पगड़ी बनाएंगे। और ये पगड़ी में हमने बराबर ही लंबाई ली है, पर चौड़ाई इसकी हमने कम ली है, 1 इंच ली है। और इसे दोनों को फोल्ड कर देंगे कपड़े को, ये देखिए, और खूब अच्छी तरह इसे सेट कर देंगे। और इस पर भी जो है हम स्टिचिंग मारेंगे। पहले इस किनारों पे मारेंगे, किनारों पर से लाते हुए हम लंबाई में इसे मारेंगे स्टिचिंग, ताकि बिल्कुल सही रहे। ये देखिए बिल्कुल फिट करके स्टिचिंग मार देंगे। ये देखिए बिल्कुल स्टिचिंग मारेंगे। और ये अब जो है हम लैस लगा रहे हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल लैस बिल्कुल किनारे पे लगाई है कपड़े को और लैस को दोनों को मिला के, और बिल्कुल ध्यान पूर्वक, ताकि लैस और कपड़ा खिसके नहीं, बराबर लैस लगा रहे हैं। देखिए इस किनारे की पट्टी की लग गई है। अब हम दूसरी किनारे पे भी लैस लगाएंगे यही लैस। ये देखिए दूसरी तरफ भी जो है हमारी लैस लग रही है। ये देखिए दूसरी तरफ भी लग गई है। अब हम जो है तीसरी लगा रहे हैं इस पगड़ी पर बीच में। ये देखिए हमने बीच में लगा दी है। ये हमारी लग के तैयार हो गई है। वह अभी से हमने क्रॉस कर दिया है, बराबर करेंगे।
अब बराबर करके एक पट्टी को जो है हम पीछे की साइड जो है फोल्ड कर देंगे और नीचे की तरफ निकालेंगे। ऐसी ही दूसरी पट्टी को भी हम फोल्ड कर देंगे और नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और सही से हम जो है इसे फिट कर देंगे। पहले ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल फिट करेंगे। ये देखिए हमारी फिट हो गई। अब हम इस पे स्टिचिंग मारेंगे, लगातार दो स्टिचिंग मारेंगे। ये हमारी पहले स्टिचिंग लग गई, अब हम दूसरी पलट के मार देंगे। अब फालतू जो है उसे हम काट देंगे। ये देखिए हमारी पगड़ी जो बन के तैयार हो गई। अब ये है हमारी कलगी, अब इसे हम पहले किनारों पे से फोल्ड करके स्टिचिंग मारेंगे इस पे भी। ये देखिए अभी हमारी दोनों तरफ लग गई। अब ये जो है हम घेर इसकी पलकी को हमने पलट के जो है स्टिचिंग कर दी है इस पे। ये देखिए जैसे हमने घेर को फोल्ड करा था ऐसी ही कलगी को भी फोल्ड करके इस पे स्टिचिंग मार देंगे और इसके किनारों पे भी। ये देखिए किनारों पे हमने स्टिचिंग मार दी। ये देखिए हमारी कलगी की पट्टी। अब इस पे जो है हम लेस लगाएंगे। ये देखिए किनारों पे लेस लगाएंगे। अब बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इसमें भी कपड़े पे आराम से लेस लग के किनारों पे स्टिचिंग मार देंगे। ये देखिए हमारी ये वाली लेस लग गई है। अब हमें दूसरी लेस लगाएंगे इस पे। ये देखिए दूसरी लेस लगा रहे हैं उसी के नीचे। ये देखिए हमारी दूसरी लेस भी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ये दोनों लेसें। ये देखिए हमारी ये लेस लग के जो तैयार हो गई। अब इस पे जो है देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब इस पे जो है हम प्लेटें भरेंगे, हल्की हल्की प्लेटें भर देंगे और कस के इसे जो दबा देंगे, पुश करेंगे और इस पे जो है सुई धागे की मदद से पहले इस पे धागा लपेट देंगे दो तीन बार कस कस के। देखिए दो तीन बार धागा लपेटेंगे। देखिए और सुई की सहायता से जो है हम इस पे स्टिचिंग करेंगे, दो तीन टांके मारेंगे इस पे। ये देखिए कलगी और पगड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसे भी हम आपस में जो है जॉइंट कर देंगे, सिल देंगे मतलब। ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट को जो है पगड़ी से की हेल्प से जो है अटैच कर देंगे, सिलेंगे साइड से। और ऐसी ही बीच में भी जो है नीचे से ये पगड़ी से अटैच कर देंगे कलगी को दो तीन टांके मार के, या आप इसे चिपका भी सकते हैं। ये देखिए इसे गम से ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं। अब ऐसे ही हम साइड से दूसरी प्लेट लेंगे और पगड़ी से जो अटैच कर देंगे और इसे सिल देंगे। ये हमारी पगड़ी बन के तैयार हो गई है। अब पीछे से हम टाँके मार देंगे और कैंची की सहायता से धागा काट देंगे और ये देखिए हमारी पगड़ी तैयार हो गई। हमारी पोशाक जो है कान्हा जी की तैयार हो गई। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। अब ये जो है हम ये पहना रहे हैं कान्हा जी को। ये देखिए हम आगे से भी पहना सकते हैं, पीछे से भी पहना सकते हैं। हमने आगे से पहनाया इन्हें और इसे पगड़ी भी पहना रहे हैं। और फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए।